मुसीबत में फंस जाने पर मनुष्य को ग्रह दोष, वास्तु दोष, पितृ दोष, शनि दोष, काल सर्प दोष सब दिखाई देने लगते हैं, केवल खुद का दोष दिखाई नहीं देता। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि अच्छे होंगे। मित्रों, आज मैं फिर आपके लिए एक ऐसा वीडियो लेकर आया हूं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। दोस्तों, आप लोग पूरा वीडियो को ध्यान से देखें और सुने। आप लोग आधा वीडियो को देख के और सुन के छोड़ देते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोग वीडियो को एक प्यारा सा लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि बाद में आप लोग भूल जाते हैं। दोस्तों, हम बहुत मेहनत करके आप लोगों के लिए वीडियो लाते हैं और आप लोग ना लाइक करते हैं ना सब्सक्राइब करते हैं, ऐसा मत कीजिए आप लोग, क्योंकि आप लोगों का सपोर्ट ही हमारा उत्साह बढ़ाता है। दोस्तों, चाणक्य कहते हैं, जब भी आपसे कोई चीज छिन जाए तो समझ जाओ कि कुदरत आपको पहले से कुछ बेहतर देना चाहती है। खुद को काट कर भी रख दोगे तो भी यह दुनिया आपसे खुश नहीं होगी, इसलिए वह करो जो आपका दिल चाहे, वह मत करो जो दुनिया चाहे, क्योंकि दुनिया की पसंद को बदलने में वक्त नहीं लगता है। किसी से प्रेम करना जितना आसान है, उसी से प्रेम करते रहना उतना ही कठिन है, और यही वह मोड़ है जहां हमें पता चलता है कि कौन हमें सच्चा प्यार करता है। किसी की याद आना और याद करना, दोनों में बहुत फर्क है। याद हम अपनों को करते हैं जो हमारे अपने होते हैं, और याद हम उनको आते हैं जो हमें अपना समझते हैं। पैसे से हम जिंदगी में सारी सुख सुविधा तो हासिल कर सकते हैं, पर जिंदगी में चैन सुकून केवल अच्छे कर्म करने से ही मिलता है। किसी का भला ना हो सके तो बुरा भी मत करो, क्योंकि दुनिया कमजोर है, लेकिन दुनिया बनाने वाला नहीं। उसकी लाठी जब चलती है तो आवाज नहीं करती। इंसान की फितरत यही है कि मोहब्बत ना मिले तो सब्र नहीं करता, और अगर मिल जाए तो कदर नहीं करता। जिंदगी में कुछ फैसले हमें खुद लेने पड़ते हैं और कुछ हमारी तकदीर। बस अंतर तो सिर्फ इतना है कि तकदीर के फैसले हमें पसंद नहीं है और हमारे फैसले तकदीर पसंद नहीं करती। दूसरों के घरों में जाकर पंचायत वही लोग करते हैं जिनके खुद के घर में कोई इज्जत नहीं होती। किसी के साथ अच्छे वक्त में बैठना बहुत आसान है, लेकिन बुरे वक्त में साथ खड़े रहना बहुत कठिन होता है। खुद को इतना सरल मत बनाओ कि हर कोई आपका इस्तेमाल कर ले। याद रखना, जिन तारों में करंट नहीं होता उन पर लोग कपड़े सुखा दिया करते हैं। इज्जत मिट जाए जिस जगह से वह दहलीज कभी मत लांघना। जिंदगी हो या इश्क हो, लेकिन कभी भीख मत मांगना। किसी ने मुझसे पूछा, इतना दर्द क्यों लिखते हो, ऐसा भी क्या गिला है? मैंने भी मुस्कुराकर कहा कि कोई दे जाए, इस चेहरे को हंसी ऐसा एक भी नहीं मिला। हम तुम्हारे हैं, हमेशा तुम्हारे ही रहेंगे, ऐसा हजार बार कहने वाले लोग भी आखिर में साथ छोड़ ही जाते हैं। लोग कहते हैं कि मोहब्बत सोच समझकर करनी चाहिए, अब उन्हें कौन समझाए, सोच समझकर तो साजिशें होती हैं। जो आपको दिल से मोहब्बत करें, आपके चेहरे और हैसियत से नहीं। मोहब्बत सिर्फ उसी से करना जो तुम्हें वक्त दे बहाने नहीं। जो लोग आपके बुरे वक्त में आपके साथ नहीं खड़े थे, उसे आपके अच्छे वक्त में भी आपके साथ रहने का कोई हक नहीं है। शक का कोई इलाज नहीं, चरित्र का कोई प्रमाण नहीं, मोहन से बेहतर साधन नहीं और शब्द से तीखे बाण नहीं। किसी लिए चाहे अपना वजूद भी दांव पर लगा दो, वह तब तक आपका है जब तक आप उसके काम के हैं। जिस दिन आप उसके काम के नहीं रहोगे या कोई गलती कर दोगे, उस दिन वह आपकी सारी अच्छाइयां बुलाकर आपको अपनी औकात दिखा देगा। जिन लोगों में अकेले चलने की ताकत होती है, एक दिन उनके पीछे चलने वाले हजारों लोग होते हैं। ठोकरों से गिरो तो कोई बात नहीं, याद रखना किसी की नजरों से मत गिरो। समय किसी का भी एक जैसा नहीं रहता, उन्हें भी रोना पड़ता है, दूसरों को रुलाते हैं। मौत का फैसला भी नेक है, हर गरीब और अमीर का बिस्तर एक है। अपनी ऊंचाई पर ज्यादा घमंड न करना मेरे दोस्त, बादलों को भी पानी जमीन से ही उठाना पड़ता है। इंसान का पतन उस समय शुरू हो जाता है जब वह अपनों को गिराने की सलाह गैरों से लेना शुरू कर देता है। भगवान जानते हैं कि आपने किसी चीज के लिए कितना सब्र किया है, आपके हर सब्र की कीमत अदा होगी। बस भगवान पर भरोसा रखें। औरत अगर रिश्ता निभाना चाहे तो झोंपड़ी में भी खुश रहती है, लेकिन औरत रिश्ता निभाना ना चाहे है तो महल में भी दुखी रहती है। झुकने का अर्थ यह कदापि नहीं होता कि आपने अपना सामान खो दिया है।
हर वस्तु को उठाने के लिए झुकना ही पड़ता है, भगवान और बुजुर्गों का आशीर्वाद भी न में से एक है। चार दिन है जिंदगी के, हंसी खुशी में काट लें, मत किसी का दिल दुखा, दर्द सबके बांट लें। कुछ नहीं है साथ जाना, एक नेकी के सिवा कर भला होगा, भला इस बात को गांठ बांध लें। दुआ कभी साथ नहीं छोड़ती और बद्दुआ कभी पीछा नहीं छोड़ती, जो दोगे वही लौट कर आएगा, चाहे वह इज्जत हो या धोखा। इसमें कोई शक नहीं, आज मेरा है कल आपका होगा, परसों किसी और का होगा। जरा जे सोचना समय कब किसका हुआ है। दुनिया की सबसे सस्ती चीज है मशवरा, एक से मांगो तो हजार देते हैं। दुनिया की सबसे महंगी चीज है मदद, हजार से मांगो तो कोई एक करता है। जो लोग आलोचना से डरते हैं वो जीवन में कुछ नहीं कर पाते। सफर जितना कठिन होगा मंजिल उतनी ही शानदार होगी। उड़ने दो मिट्टी को, धूल बनकर आखिर कब तक उड़ेगी। हवाओं ने जब इसका साथ छोड़ दिया तो देख लेना वापिस जमीन पर ही गिरेगी। गुस्सा करने के बदले रो लेना अच्छा है, गुस्सा दूसरों को तकलीफ देता है, जबकि आंसू चुपचाप आंखों से बहकर हृदय को स्वच्छ करते हैं। जिंदगी से परेशान मत हुआ करो दोस्तों, ऊपर वाले ने सबको खूबसूरत बनाया है, किसी को अच्छी शक्ल देकर और किसी को अच्छी सोच देकर। सबसे ज्यादा सच्चे किसे शराब खाने में सुने हैं, वो भी हाथों में जाम लेकर। सबसे ज्यादा झूठ अदालत में सुने हैं, वो भी हाथों में गीता और कुरान लेकर। कई लोग ऐसे होते हैं, आप उनके साथ कितना भी अच्छा बर्ताव कर लो, उनके साथ जो मर्जी अच्छा कर लो, लेकिन आखिर में वो अपनी औकात दिखाई देते हैं और बता देते हैं कि वह कभी किसी के नहीं हो सकते उनके लिए, चाहे आप जान दे दो। गलत होते हुए भी अपने आप को सही साबित करना उतना कठिन नहीं होता जितना सही होते हुए भी खुद को सही साबित करना। इंसान कभी भीड़ में नहीं खोता, इंसान तब खोता है जब अकेला होता है। कमजोर दिल होते हैं कुछ इंसान, यहां गुस्सा आना चाहिए वहां रो देते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता जिंदगी में कि हमारे पास बहुत कुछ होता है बोलने के लिए, लेकिन कुछ रिश्तों को बचाने की खातिर चुप रहना पड़ता है। लोग इत्तफाक से मिलते हैं लेकिन बिछड़ते सब अपनी मर्जी से हैं। भूलना सीख लीजिए जनाब, इसमें आपका ही फायदा है, क्योंकि यह दुनिया भी आपके साथ यही करने वाली है। एक वक्त के बाद या तो दर्द खत्म हो जाता है या फिर इंसान ही खत्म हो जाता है। चरण उनके छूने चाहिए जिनके आचरण पवित्र हो। सफेद कपड़े पहनने वाला हर कोई अंदर से सफेद नहीं होता। किसी को अपनी आदत बना लेना किसी से इश्क हो जाने से भी ज्यादा खतरनाक होता है। जो चीज आसानी से मिल जाती है इंसान कभी उसकी कदर नहीं करता। मतलब कि रिश्ते जीवन में जितने जल्दी बनते हैं उतने ही जल्दी टूट जाते हैं। घमंड और अहंकार के कारण इंसान खुद ही अपने रिश्तों में दरारें ढाल लेता है। इन दोनों से हमेशा इंसान को बचाना चाहिए। अक्सर गुम हो जाते हैं पुराने रिश्ते किसी नए रिश्ते के बन जाने के बाद। कुछ लोग झूठ भी इतने विश्वास के साथ बोलते हैं कि आप पहचान ही नहीं पाते कि वो आपसे झूठ बोल रहा है। विश्वास जीतने में तो पूरी जिंदगी लग जाती है, लेकिन तोड़ने के लिए एक पल ही काफी होता है। होता है, बदलना तो तय है, हर चीज बदलती है। किसी का दिल बदल जाता है और किसी दिन बदल जाते हैं। खुश दिखने के चक्र में इंसान और भी ज्यादा उदास हो जाता है। चाहे कोई कितना भी आपका अपना हो, लेकिन सबसे पहले वह अपना फायदा ही देखा है। बुरा समय आपको कमजोर नहीं बल्कि एक चैंपियन बनना सिखाता है। जो इंसान खुद से ज्यादा दूसरों की फिक्र करता है उसी इंसान को टेंशन, डिप्रेशन और बेचैनी होती है। इसलिए हमेशा अपने बारे में सोचें, सब्र करना सीखो। दुनिया के सामने रोने पर आपको कुछ हासिल नहीं होगा। लोग कहते हैं कि दर्द बताने से कम होता है, लेकिन जिसे अपना दर्द बताओ वही दर्द से मजा लेता है। सबको अच्छा समझ लेना ही हमारी सबसे बुरी आदत होती है। आपके पास बस पैसा होना चाहिए, क्योंकि यहां किसी को भावनाओं की कोई कदर नहीं है। जो व्यक्ति अपने पास होने वाली चीजों से संतुष्ट नहीं है उसे जीवन में मिलने वाली चीजों से भी कभी संतुष्टि नहीं मिलेगी। दूसरों को अगर आप अपनी जिंदगी में कीमती बनाओगे तो आप खुद उनकी जिंदगी में सस्ते हो जाओगे। जिंदगी में चाहे आप 20 बार फेल हो जाओ, चाहे 100 बार फेल हो जाओ, पर कसम खा लो कि अपनी जिंदगी में आम आदमी बनकर नहीं जीना। जीवन में आप अपने आप को मजबूत बनाइए, दूसरों के भरोसे बैठे रहना आपको बर्बाद कर देगा। जिन्हें आपके दर्द का एहसास ही ना हो उनसे शिकायत करना बिल्कुल बेकार है। जिंदगी कितनी भी बुरी क्यों ना हो, जब तक कोई अपना साथ देता है तब तक सब कुछ अच्छा लगता है।
हर इंसान की दो कहानियां होती हैं, एक वो जो सबको सुनाता है और एक वो जो सबसे छुपाता है। चुप रहना सबसे अच्छा जवाब है उस इंसान के लिए जो आपके शब्दों का मोल नहीं समझता है। कितने अफसोस की बात है कि जब कहीं वफादारी का जिक्र होता है तो हम इंसान कुत्तों की मिसाल देते हैं। किसी इंसान को कुत्ता बोलें तो बुरा मानता है इंसान। कभी कभी समझ नहीं आता कि अच्छे इंसान के साथ किस्मत हमेशा बुरा खेल क्यों खेलती है। जब आप बोलते कम हो और सुनते ज्यादा हो तब आप लोगों को ज्यादा पसंद आने लगते हो। दिल होना चाहिए किसी से बात करने का, वक्त तो अपने आप मिल जाता है। जिंदगी में पछताना छोड़ो, बल्कि कुछ ऐसा करो कि आपको छोड़ने वाला पछताए। समय और शब्द दोनों का उपयोग लापरवाही से मत करो, ये दोनों ना दोबारा आते हैं ना ही दोबारा मौका देते हैं। विश्वास ही एक ऐसी एकमात्र ट्रॉफी है जिसे लोग जीतने के बाद अक्सर तोड़ देते हैं। जब तक किसी बात की पूरी जानकारी ना हो तब तक हमें चुप रहना चाहिए। अगर वर्तमान में खुश रहना है तो अतीत का पछतावा और भविष्य की चिंता छोड़नी पड़ेगी। दुनिया में लोगों का नजरिया बदल रहा है, जो झूठ बोलते हैं उनके रिश्ते टिके रहते हैं, लेकिन जो सच बोलते हैं उनके रिश्ते टूट जाते हैं। पैसा सब कुछ नहीं है जिंदगी में, लेकिन हर चीज के लिए पैसों की जरूरत होती है। लोग जिंदा इंसान के साथ ठीक से बात तक नहीं करते और मरने के बाद हिला हिलाकर पूछते हैं कि तू कुछ बोलता क्यों नहीं। किसी के लिए समर्पण करने की कोई मुश्किल नहीं, मुश्किल तो यह है कि ऐसा इंसान कहां से ढूंढें जो आपके समर्पण पर आपकी कदर करे। नींद और निंदा पर जो इंसान विजय पा लेता है उसे आगे बढ़ने से कोई भी रोक नहीं सकता। जब कोई अपना गैर जैसा व्यवहार करने लग जाए तो वो अपना अपना नहीं लगता। घर से मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारे जाने की फुर्सत नहीं है और इंसान मरने के बाद सीधा स्वर्ग जाना चाहता है। नियम बनाने के लिए खुद नियमों में चलना अति आवश्यक होता है। रास्ते पर तो सभी चलते हैं, जो रास्ता बनाता वही इंसान है। कर्ज तो उतारा जा सकता है लेकिन एहसान कभी नहीं उतरता। मौत भी गवाही देगी तुम्हारी कायरता की, अगर तुम बिना लड़े मर गए। अगर कोई अनदेखा करता है तो करने दो। याद रखना वक्त सबका आता है। थोड़ा धीरज रखो क्योंकि हर दुख के बाद सुख का समय भी जरूर आता है। चाय और चरित्र जब भी गिरते हैं दाग ही लगाते हैं। परवाह मत करो इस जमाने की क्योंकि इसकी तो आदत ही है सताने की।